हमारा कैंडिडेट वन है, ठीक है, ये हमारा कैंडिडेट टू है, कौन सा ज्यादा अच्छा है? आपकी डिफरेंट अपनी दिखाओ. दिस इज व्हाई व्हाट आई गेट एंड दैट इज व्हाट हसन गॉट. तुम्हें कौन सी ली है? स्निकर्स डंक. मैंने क्यों नहीं बोली? This is the first time I'm trying soft swirl. अच्छा मेरी वाली का नाम भी कुछ होगा. Oreo dunk. Wow. Oreo dump. पता नहीं. Oreo something. Ice cream or so we got this from soft swirl. This is the basic Oreo swirl. लेकिन उसके ऊपर उनको कहा था कि क्या डाल दें, स्निकर्स भी डाल दें और ऊपर उनसे पूछा था कौन लेक्स डाल दें, तो दे वर सुपर स्वीट कि उन्होंने कौन भी ऊपर डाल दिए. और अब ये सीन है, कल मैंने पेरेंट यही खाई थी लेकिन इतनी फंकी नहीं थी. रोड टू आई कप वैसे बड़ी प्यारी प्यारी साफ सुथरी है. एंड देन देयर इज आई कप. I thought yahan ek picture honi chahiye, so that's the place I have a love hate relationship with. Hey, I just got back from work. I hope you can hear me. Maine kapde kapde nahi change kiye. Yaar, I wore this kaftan today and I love it. I literally love it a lot. Itna mazay ka tha, itna mazay. Acha, mujhe bolte bolte ekdam se yaad aaya tha. He is my uncle. तो बड़े फिट किस्म के ना लाइक अंकल हैं मेरे, तो लाइक मेरे ताया हैं. ओके, सो ही वाज लाइक हमेशा वीडियोस देखते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं और इसे हम बहुत ज़रूर बोलते हैं ना कि वीडियो ऐसी इसमें लाइक काइंड ऑफ लाइक फीडबैक जो देते हैं ना, एक्चुअल फीडबैक भी देते हैं कि इसमें ऐसे करो इम्प्रूव होगी एंड ऑल दैट. तो उन्होंने कहा कि ना भाई आप बाकी सारे भी देख रहे होते हैं, आप उर्दू भी बोला करो. तो लाइक ओके आई विल डू दैट नेक्स्ट टाइम. तो अभी मैं करने लगी थी तो मुझे एकदम से याद आया कि अब जो है ना हम समझ मुझे लगता है मैं पहले भी उर्दू और इंग्लिश मिक्स करके बोलती हूँ, लेकिन अब हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे. ओके ओके आई हैव अ पैकेज. गेस व्हाट दिस इज. दिस इज नॉट जस्ट एनी फन और शुगर मेले वाला प्यारा प्यारा पैकेज. दीज आर माई बुक्स. आई ऑर्डर्ड माई बुक्स फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट आई विल बी स्टडीइंग. टप टप. अच्छा, सो आई गॉट द सिजर्स और ये रहा मेरा पैकेज ऑफ बुक्स. मैंने ना बेसिकली जिन सब्जेक्ट्स से मंगवाए थे उन्हें सिर्फ एक सब्जेक्ट का भेजा, तो आई एम गेसिंग थोड़ी बाकी का भेजा. स्टार्ट किया था. अच्छा, आई वोर दिस टुडे. दिस इज ए काफ्तान, लेकिन ऐसे आपको नज़र नहीं आएगा और ऐसे मैं दिखा भी नहीं सकती. आई विल बी होपफुली कोई सीन बना तो आई रिकॉर्ड समथिंग जिसमें आई शो यू द होल थिंग. इट इज सो ब्यूटिफुल, आई लव इट. मुझे बहुत अच्छा लगा. आई गॉट दिस फ्रॉम खाड़ी बहुत रिसेंटली. अभी हम गए थे प्लान के बगैर गए थे, बाई चांस गए थे. मैं साथ खोल लेती हूँ. बाई चांस गए थे और ना कहते हैं आई वॉज नॉट इन द मूड टू बाई समथिंग, लेकिन मुझे नज़र आया. खैर बड़े मज़े का सीन हुआ था. आपको पहना हुआ था और मुझे पास्टास हमने देखा लाइक इतनी प्यारी लग रही है. खैर बट उस टाइम तक हमें नहीं पता था कि उसने यहीं से लेके यहीं पहना. ऐसा लग रहा था जैसे रैंडम कस्टमर होता है ना, तो बाहर की चीज़ पहनी थी. यार मैं बुक ना फाड़ दूँ अपनी. एनीवे तो पता चला उसने यहीं से ली थी एंड शी ब्रॉट हर फ्रेंड. बस हमने फ्रेंड को लेके आई और उसको कहा कि भाई तुम भी खरीदो ना, बहुत अच्छा लग रहा है.
फिर हमें मिला वो रैक जहाँ से उसने लिया था. एनीवे तो एक्सक्यूज द पॉज. अच्छा तो उन्होंने रिकॉर्ड लिया और एक लास्ट चीज बचा था, द वन दैट आई गॉट. मैंने फौरन जाके ना मैंने वो पकड़ा, बट आई वाज अ लिटिल बिट यू नो अनश्योर, काइंड ऑफ कंटेम्पलेटिंग वेदर आई शुड गेट इट और नॉट. और फिर वहाँ एक आंटी आ गई. अब जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, यू गेट इन द सिचुएशन, अब आप कहते हो यार अब तो लेना पड़ेगा या नहीं, या यू लाइक लेट्स सी हाउ द गुड कम्स आउट, आइदर आई गेट इट और द आजमा द आंटी गेट्स इट. आजमा इज इन कोरियन फॉर आंटी. तो हुआ ये कि उन्होंने ना क्या कहते हैं, उन्होंने उठाया और देख रही थी ना, लाइक मैं पहले देख के खुद रखा था, बेवकूफ होंगी जरा हमारे साथ. एंड जब उन्होंने उठाया ना तो मुझे तो रिग्रेट होता है, लाइक मैं क्यों रख गया, मैंने क्यों रख गया. और उसके बाद लाइक अच्छा यार अब कोई बात नहीं. लेकिन मैं भी ना उस रैक के करीब खड़ी रही, खड़ी रही, खड़ी अलग उसके इधर उधर वाले रैक से ना ऐसे देख रही थी, अच्छा ये ओके ये. लेकिन मेरी नज़र उसकी तरफ थी और मैं दिनों वेट करती आंटी चली जाए, आंटी ना लें. और आंटी ने कहीं बिलीव शी सेड ओ ये तो इस तरह का है, ये मुझे लगा इस तरह का होगा, ऐसे करो आपने लेना. अब लाइक आपने नहीं लेना. तो कहती नहीं मुझे मुझे इस तरह करना चाहिए था. अब लाइक तो उन्होंने मुझे दिया और मैं ले लिया. ता-दा! एन आई गॉट माय बुक, कितनी प्यारी कलर की है. एंड आई गॉट द अदर वन. हे अनदर डे अनदर पैकेज ऑफ बुक्स, वो भी कोर्स वाली. व्हाट इज दैट? द आईएसएस. एंड फाइनली वी हैव द आईएफआरएसएस. ये वन ऊपर होनी चाहिए थी. स्टार्ट रिकॉर्डिंग समथिंग, तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ. और अभी मैंने कपड़े शपड़े सारे चेंज कर लिए हैं, मैं हिजाब सेट करना है और मुझे नहीं आ रहा था. आई मीन मैं किसी डिफरेंट तरीके से लेना चाह रही हूँ, लेकिन बैठने का. और दिस इज द मास्क दैट आई विल बी वेयरिंग. अच्छा मेड फॉर पाकिस्तान, मैंने एक दफ़ा ली थी यहाँ से पाकिस्तान वाली, तब ये वाली क्यों नहीं थी. नाइस शॉपिंग. ये एक्सो की लाइट स्टिक है. ये मैं ला रही हूँ. हमारे साथ सीन हो गया, हम मॉल के लिए आए थे लेकिन मॉल सारा बंद है क्योंकि वीकेंड है. तो हम सिर्फ कारपोर में घूम रहे हैं और मैंने फुल डेकोरेशन की है 14 अगस्त की. सॉरी हाँ अब सेटिंग सही हो गई. उसे क्या होता है? हाँ ये क्यूट है. प्रोफेसर स्नेप की क्लास में पोर्शन ले लें. चलिए पिछले 10 मिनट से इन बॉटल्स के करीब खड़े होकर पिक्चर्स वगैरह खींच रहे हैं, अपनी नहीं बॉटल्स की, क्योंकि बॉटल्स बड़ी प्यारी लग रही थी. रेगुलेशन का सीन है, मुझे नहीं पता था कि वीकेंड पर बंद होगा, तो खैर क्यों बंद है और हम अब घर जाने लगे हैं. एंड या अभी लिटरली 5 बजे हम इतनी जल्दी आए थे ना कि रश वाले टाइम से पहले फारिग हो जाएंगे. और रश वाला टाइम कुछ भी नहीं था, वहाँ भी नहीं थी, सारा पार्किंग लॉट लाइक देखो लिटरली गिगा मॉल का पार्किंग लॉट सारा खाली है, जो कि कभी नहीं होता है. एनीवे दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो. लाइक इट, लाइक कमेंट सब्सक्राइब फॉर मी ऑन इंस्टाग्राम हैंडल ऑन जस्ट लाइक ऑन यूट्यूब. Subscribe to my blog and follow me. I'll see you guys next time. Until then, be a boss.